क्या आप यकीन करेंगे, एक बार एक सैलानी अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी के खिड़की में से रेगिस्तान की जानवरों की तस्वीर ले रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक अजीबोगरीब चीज आ गई। उस फोटो में एक इंसानी कंकाल दिखा जो अपने पैरों पर चल रहा था। ये कंकाल वहां कैसे आ गया ये कोई नहीं जानता, और वो उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। ऐसी कई सारी अविश्वसनीय जानकारी हमें गूगल पर देखने को मिलती है, लेकिन इस पर विश्वास करना या ना करना ये तो आप पे निर्भर है। रेगिस्तान में अक्सर एक इंसानों जैसे जानवर को देखा गया, लेकिन ये जानवर को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई इंसान हो। तो आखिर ये रहस्यमय प्राणी हमारे रेगिस्तान में कब और कहां से आया ये कोई नहीं जानता, लेकिन कई लोगों ने इसे रेगिस्तान में देखने का दावा किया है। ये उसी प्रकार दिखाई पड़ता है जैसे कोई हिम मानव बर्फ के इलाके में रहता हो। रेगिस्तान में पाए जाने वाली चिपकली रेत के अंदर रहती है और इसका रंग रेगिस्तान के अनुरूप होता है, जिससे कि यह अपने शिकार को आसानी से दिखाई नहीं देती और उनको आसानी से खा लेती है। रेगिस्तान में ही पाए जाने वाला दूसरा खतरनाक जीव है यहाँ के सांप। रेगिस्तान के सांप नॉर्मल सांपों से काफी जहरीले होते हैं। अगर आप रेगिस्तान घूमने जाने की सोच रहे हैं तो अपने पास सेफ्टी जरूर रखें, जिससे कि आप अपने आप को सांपों के डंक से बचा पाएंगे। कुछ सांप रेगिस्तान के अंदर इस प्रकार बैठे हुए होते हैं कि इन्हें आप देखकर पहचान ही नहीं पाएंगे, तो जरा बच के रहिएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये कंकाल कोई असली है या सिर्फ फोटोशॉप किया हुआ फोटो या फिर नजरों का धोखा है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।